अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है जी, चैप्टर नंबर हम 5 स्टार्ट किया हुआ है, उसका हम टॉपिक नंबर देखने जा रहे हैं 5.2। इसका नाम है जी MS Access एप्लीकेशन विंडो। ये जो हमारी एप्लीकेशन है MS Access, उसका इंटरफेस कैसा होता है, क्योंकि आपको पता है जी, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे MS Word है, चाहे MS Excel है, चाहे Android Studio है या टर्बो C++ है, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जब तक आपको उसका इंटरफेस नहीं पता होगा तब तक आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। जितना आपको इंटरफेस ज़्यादा पता होगा आप उतना ही उसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं MS Access का इंटरफेस क्या है, मीन कौन सी विंडो का क्या काम है, कौन सी बार का क्या काम है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, या इसी तरह हमने किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले थोड़ी सी ये डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि अगर डायग्राम बनी होगी तो थोड़ा इजी होगा हमारे लिए। तो ये देखें जी, एक डायग्राम हम बना लेते हैं इधर। तो इस तरह एक डायग्राम सी होती है, सबसे टॉप एक बार होती है इस तरह, यहाँ पे क्रॉस होता है, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज इसी तरह, और इसके बाद यहाँ पर छोटा सा आइकन बना होता है और यहाँ पर लिखा होता है जी MS Access, ठीक है जी। ये है, इसके बाद हम देखेंगे जी, इसके नीचे लिखा होता है फाइल, इस तरह एक पूरी बार सी होती है जी फाइल, यहाँ पे लिखा होता है जी एडिट, यहाँ पे व्यू, इस तरह डिफरेंट बार्स हमारे पास मेन्यूज बने होते हैं, और इसके नीचे एक और इस तरह बार होती है जी हमारे पास, और यहाँ पे छोटा सा बना होता है न्यू का आइकन बना होता है, इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं। तो ये हम देखते हैं इन बार्स को क्या कहते हैं और इनका क्या काम है। इसी तरह बाकी ये इस तरह करके हमारे पास विंडो से होती है, ये इस तरह ये हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल होता है इस तरह करके, और अगेन यहाँ पे भी एक स्क्रॉल होता है, ठीक है जी। मैं एरो बना देता हूँ ऐसे करके ताकि हमें समझ आ जाए, अच्छा यहाँ पे कोई स्क्रॉल है जिसे हम क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं, और ये हो गया। इसके बाद लास्ट पे लिखा हुआ है जैसे ये छोटा सा, मैं यहाँ पे लिख देता, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ ताकि नज़र भी आए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है जी रेडी, और इस तरह, और यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे नम। तो अब देखते हैं जी, एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि ये कौन कौन सी बार है, और ये सिंपल सा एक इंटरफेस है। तो सबसे पहली जो बार आती है उसको हम बोलते हैं जी टाइटल बार। तो टाइटल बार है जी, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि टाइटल बार का क्या काम है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि टाइटल बार मीन एक ऐसी बार होगी जो टाइटल शो कर रही होगी, और टाइटल का मतलब होता है कि सबसे जो टॉप मोस्ट चीज़ है उसको हम बोलते हैं टाइटल। टाइटल मीन्स जैसे हम ये सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर है हमारे पास MS Access। तो MS Access और उससे पहले जो MS Access है उसका आइकन क्या होगा वो शो कर रहा होगा, और अगर आपने MS Access को क्लोज करना है, या इसकी विंडो को मीन छोटा करना है, या इसका साइज़ एडजस्ट करना है, या आपने इसको मिनिमाइज करना है, तो ये सारे का सारा काम जिस बार पे होता है इस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अक्सर MCQs आते हैं कि MS Access जो है इसकी टॉप मोस्ट जो बार है, मीन जो सबसे टॉप पे बार होती है उसका नाम क्या है, जो सबसे टॉप पे बार होती है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि टाइटल बार ऐसी बार जिसके ऊपर MS Access का नाम होता है, और उसके ऊपर क्रॉस का बटन होता है, जो आपका एडजस्टेबल साइज़ है वो है, मिनिमाइज है, इसमें डिफरेंट जितने भी चीज़ें हैं ये हैं, और ये सबसे टॉप पे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं टाइटल बार कौन सा जी, ये जो सबसे टॉप पे है इसको हम बोल सकते हैं ये टाइटल बार है। इसी तरह इसके नीचे जो है इसको हम बोलते हैं जी मेन्यू बार। तो सेकेंड पे है जी मेन्यू बार। अब ये आपके पास ये शॉर्ट में आता है जी कि मेन्यू बार क्या होता है, तो आप कहेंगे जी टाइटल बार के फौरन नीचे जो दूसरी बार है इसको हम बोलेंगे मेन्यू बार। इसको मेन्यू बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट मेन्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे फाइल एक मेन्यू है, जैसे ही हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, उसके अंदर फर्दर छोटे छोटे मेन्यूज होंगे। जैसे हमने डेटाबेस बनानी है तो उसको बोलेंगे न्यू, इसी तरह ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये इस मेन्यू में आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह एडिट है, हमारे पास व्यू है, इस तरह डिफरेंट हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं,
इसलिए हम इस पूरे जो बार है इसको बोलते हैं जी ये मेन्यू बार है। अब इसका एमसीक्यूज कैसे आ सकता है कि मेन्यू बार में क्या होता है इस तरह करके, तो आप कहेंगे इसमें डिफरेंट मेन्यूज होते हैं। सबसे पहला मेन्यू क्या होता है, तो सबसे पहला फाइल होता है, दूसरा एडिट है, तीसरा व्यू है। इस तरह की दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जी जैसे आप किसी मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है, मीन एक पूरा एक मेन्यू ओपन होता है ड्रॉप डाउन, क्योंकि नीचे की तरफ मीन ओपन होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। और इसमें क्या है जी, इस तरह की चीज़ें हैं कि आपने मीन्स कोई भी मेन्यू कोई चीज़ अप्लाई करनी हो तो वो मेन्यू से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता जी तीसरा हमारे पास चीज़, इसको हम बोलते हैं टूल बार। तो ये भी मैं इधर ये आइकन इस तरह बना देता हूँ। तीसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है टूल बार, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि व्हाट इज़ टूल बार। तो ये देखें जी ये है एरो हमारे पास। तो टूल बार में बेसिकली छोटी छोटी टूल्स होते हैं, जैसे हमने किसी चीज़ को सेव करना है या हमने किसी चीज़ को ओपन करना है या किसी नई फाइल को क्रिएट करना है, नया डेटाबेस बनानी है, इस तरह के जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं वो बेसिकली हमें यहाँ भी प्रोवाइड कर देता है। यही काम हम मीन जो मेन्यू बार है वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है हमें वो काम दो स्टेप्स में करना पड़े या तीन स्टेप्स में करना पड़े, तो इसी चीज़ का एक शॉर्टकट बना के दे दिया गया है। क्योंकि जब बंदा मीन कोई दो तीन स्टेप परफॉर्म करके काम करता है, वही काम उसने बार बार करना है, उसमें उसका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर आपने उसे शॉर्टकट बना के दे दिया है तो उससे क्या होगा, उसका जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम बच जाएगा। तो इसलिए ये टूल बार है जी, नाम से पता चला टूल मींस हमें छोटे छोटे टूल दे दिए, इसलिए इसको बार को बोल दिया जी टूल बार। इसमें डिफरेंट टूल्स हैं जो आप यूज़ करना चाहें, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे होता है जी, ये आपका जो मेन्यू बार है उसके फ़ौरन नीचे होता है, तो यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे होते हैं, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे कि ये देखें बुक पे काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, जैसे न्यू है, न्यू का यहाँ पे एक टूल पड़ा होता है, आपने किसी चीज़ को ओपन करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, किसी चीज़ के स्पेल हैं वो चेक करने हैं, या इसी तरह प्रिंट का प्रीव्यू देखना है, मीन आपने प्रिंट करना है, प्रिंट से पहले आप एक व्यू देखना चाह रहे हैं कि बेसिकली प्रिंट कैसे होगा, तो वो भी कहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट होगा। इसी तरह आपने किसी चीज़ को कट करना है, और क्योंकि कट आप अक्सर करते होते हैं तो आपको यहाँ पर मीन्स मेन्यू बार में नहीं जाना पड़ेगा, एडिट में जाएंगे फिर वहाँ से आपको कट मिलेगा, लेकिन वही आपको यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते, फिर आप शॉर्टकट्स को ही यूज़ करते हैं। इसी तरह आपने कोई चीज़ पेस्ट करनी है, अनडू है या रीडू है, इस तरह के जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ पर मिल जाते हैं, टूल बार पर मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है और टाइम जो है वो मीन्स बचाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद आता है जी आपके पास स्क्रोल बार। तो स्क्रोल बार क्या होता है बेसिकली, देखें जी आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, मींस वो एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट नीचे चला जाता है, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट को देखना हो, मींस जो डॉक्यूमेंट है उसको नीचे करना हो, तो आप क्या करते हैं, स्क्रोल बार को यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल राइट साइड पर इस साइड पर होता है, तो आपने अगर नीचे की तरफ जाना है तो यहाँ पे बटन बना होता है, तो उस पर क्लिक करें तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। इसी तरह अगर आपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल अप करना हो, मींस डॉक्यूमेंट को ऊपर करना हो, तो ये ऊपर एक टॉप पे जो एरो होता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट है आपका ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्क्रॉल अप। तो एक वर्टिकल बार होती है, तो हम ये कह सकते हैं जी जो स्क्रॉल बार है, जो स्क्रॉल बार है जी वो हमारे पास दो तरह की होती है जी। तो इसको मैं ठीक करके लिख लूँ, जो स्क्रॉल बार है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक है हमारे पास वर्टिकल और एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। अगर आप ये देखें ये हमारे पास वर्टिकल है, और ये इसका काम क्या है जी, हमारा डॉक्यूमेंट को या तो ऊपर मूव करना या डाउन मूव करना, मींस अगर हमने डॉक्यूमेंट को अप मूव करना है या डॉक्यूमेंट को डाउन मूव करना है तो हम यूज़ करेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। लेकिन अगर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो विथ उसकी ज़्यादा है, मीन हमारी स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा,
तो हमने लेफ्ट या राइट मूव करना है, तो इसी तरह हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये दोनों तरह के जितने भी स्क्रॉल बार हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट अप या डाउन मूव करना है तो आप यूज़ करेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट को लेफ्ट या राइट मूव करना है तो फिर आप यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो इसका भी काफ़ी यूज़ है, ये आपके लिए यूज़ होता है, काफ़ी यूज़फुल है। तो इस तरह एरोज़ बने होते हैं, तो अगर एरो ये वाला आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट पे डॉक्यूमेंट मूव करेगा, जो स्क्रीन है वो लेफ्ट पे मूव करेगी, और अगर ये राइट वाला आप जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट है वो आपका राइट साइड पे मूव कर जाएगा। इसी तरह जो डाउन पे एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो अप वाला डॉक्यूमेंट है जो एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, और आपका जो डेटाबेस होती है वो अक्सर एक पेज से ज़्यादा हो जाती है, मीन्स डॉक्यूमेंट जो है आपका पेज से नीचे चला जाता है, स्क्रीन से नीचे चला जाता है। तो ये चीज़ आपने देखनी हो तो आप स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी लास्ट हमारे पास स्टेटस बार। तो स्टेटस बार ये लास्ट ये जो बार है इसको बोलते हैं जी स्टेटस बार। तो स्टेटस बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी एमसीक्यूज़ के लिहाज से, जैसा कि टाइटल बार था, सबसे टॉप पे जो बार होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी टाइटल बार। इसी तरह जो सबसे नीचे वाली बार होती है उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। टाइटल बार सबसे टॉप पे, स्टेटस बार सबसे नीचे। टाइटल बार पे क्या था, एमएस एक्सेस का नाम, और इसी तरह हमने इसको बंद करना है या मिनिमाइज़ करना है। इसी तरह सबसे बॉटम पे क्या होगा कि हमारी जो डेटाबेस है इसका स्टेटस क्या है, मीन्स ये रेडी है, मीन्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारा नम लॉक अगर ऑन है, ऑफ है, या कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बताता है। तो ये देखें जी, इसमें बुक पे भी यही चीज़ लिखी है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो ये हमें बता रहा होता है कि ये मीन ये रेडी है, क्या हम इस पे काम कर सकते हैं, क्या ये सेव मीन हुआ है कि नहीं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बताता है। और इसी तरह जो बटन है ये डिफरेंट, जैसे हम कैप्स लॉक की बात करते हैं तो अगर हमने को कैपिटल में कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना हो तो हम यूज़ करते हैं कैप्स लॉक, तो कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है ये हमें बताता है। इसी तरह नम लॉक जो होता है, जो राइट साइड पे बिल्कुल कीबोर्ड के बटन होते हैं 1, 2, 3 डिफरेंट बटन्स होते हैं, इसके बारे में आपने देखना हो कि वो नम लॉक ऑन है या नहीं, क्योंकि हम 1 को दबाएंगे तो 1 प्रेस होगा या नहीं, अगर तो नम लॉक ऑन होगा तो वो 1 प्रेस होगा, अदरवाइज 1 प्रेस नहीं होगा, उस 1 का डिफरेंट बिहेवियर होता है। ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जो नम लॉक होता है उसका डिफरेंट बिहेवियर होता है, अगर बटन दबा रहे हैं 1, 2, 3 तो वो और तरह का एक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन नम लॉक अगर ऑफ होगा तो उसका एक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा, मीन वो डिफरेंट दो तरह के बिहेवियर परफॉर्म करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने नम लॉक ऑन है या ऑफ है, तो ये आपकी कौन हेल्प करता है, ये आपका जो स्टेटस बार है ये आपकी हेल्प कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ ऑन है, ऑफ है, रेडी है या नहीं रेडी। तो इसी तरह हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। आप इन सारी बार्स को देखें, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी शॉर्ट के लिहाज से, और लॉन्ग में भी आ सकता है पूरा लॉन्ग के राइट एंड नॉट ऑन बार्स के, हमारी जो बार्स हैं वो कौन सी होती हैं, कौन सी टॉप पे है, कौन सी बॉटम पे है, और इन सब का काम क्या क्या है, तो ये आप एक स्क्रीन भी बना सकते हैं। इसी तरह आप ये एक एक करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया एमसीक्यूज के लिहाज से सबसे टॉप पे कौन सी बार है, सबसे बॉटम पे हमने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करना हो, लेफ़्ट राइट करना हो, या हमने कोई शॉर्टकट्स हैं हमारे पास वो कहाँ पर पड़े होते हैं, और अगर हमने किसी चीज़ को सेव करना हो तो मेन्यू बार हैं, तो मेन्यू बार कहाँ पे होते हैं, कौन सी जो आइकन है या कौन सी बार है उससे ऊपर होते हैं, कौन सी बार से नीचे होते हैं, ये चीज़ आपको थोड़ी अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट है।